हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल. दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लेते हैं. इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले करा दिया था, अब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, -4 raised to the power -2. तो इसमें हम लोग को देखने से पता चलता है, हम लोग जो लॉस पहले पढ़े थे, जो मैंने लॉस आपको लिखाए थे, वो लॉस में से एक फॉर्मूला था, एक ये वाला लॉ था, a to the power -n. अगर ये फॉर्म में रहने से हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, a to the power अगर ये पावर नेगेटिव में है, पावर इसमें क्या है नेगेटिव में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a to the power -n है, नेगेटिव में है -n, तो इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए 1/a to the power n करेंगे, ठीक है. तो वैसे ही अभी हम लोग वैसे ही इसको भी करेंगे. ये क्वेश्चन क्या है, -4 raised to the power -2. तो इसको हम लोग, ये नेगेटिव में है पावर, इधर पे हम लोग को दिख रहा है पावर नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वन सेम यही लॉ यूज करेंगे, कैसे, 1/-4 raised to the power 2. तो इसको हम लोग कैसे ऐसे करेंगे, तो इसमें आ जाएगा माइनस, तो इसमें आ जाएगा 1/-4 raised to the whole raised to the power 2. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा भी आएगा 1/2 और -4 raised to the power 2. तो इसमें भी आएगा 1 raised to the power 2. तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो ऐसे करने के बाद अब 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, और -4 का स्क्वायर माइनस, ये है -4 into -4 करने से हम लोग को मिलेगा 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो हम लोग को मिलेगा 16, तो वही 1/16, ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ना, क्या क्वेश्चन दिया है, 1/2 raised to the power 3 और उसका होल रेस टू दी पावर 2, ठीक है. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखने से हम लोग को पता चलता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगना चाहिए. इसमें एक तो लॉ था, क्या लॉ था, कि a/b whole to the power n. अगर ऐसा रहने से तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, ऐसा रहने से अब हम लोग इसका भी पावर n है और b का भी पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a to the power n b to the power n. तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है. तो वही यहां पे अप्लाई होगा. तो जैसे 1 square by 2 cube है, तो 2 cube का होल स्क्वायर, ठीक है. तो 2 cube to the power square, ठीक है. तो इसको अब हम लोग ये वाला देख लिए, फिर उसके बाद हम लोग और एक तो चीज पढ़े थे. अब इसमें हम लोग को देखने से लग रहा है कि और एक तो लॉ यूज होगा, कौन सा लॉ यूज होगा, a to the power n whole to the power m. तो ये वाला ऐसा सिचुएशन है. तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लॉ में क्या था कि a टू दी पावर जब ऐसे में होगा, मतलब इसका ये जो बेस है इसका एक्सपोनेंट n है और इसका ये दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, m, तो ये क्या होगा, इंटू हो जाता है, ये दोनों इंटू हो जाता है, ठीक है. तो n into m हो जाएगा, ठीक है. तो वैसे ही हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 into 2 हो जाएगा. तो 1 का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, तो इस by 2, ये जो 3 है 3 into 2 हो जाएगा, तो 3 into 2 कितना होगा, 6. तो 1/2 to the power 6, ठीक है. और हम लोग उसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 6 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो इधर कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 to the power 6 है. तो 2 2's are 4, 4 2's are 8, 8 2's are 16, 16 2's are 32, 32
2 जा 64, ठीक है, तो आ गया 1/64। ऐसे आप लोग को यहीं तक ही करना है, अगर ये भी यहां तक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या था, तो फोर्थ सेकेंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या था, 3 to the power -7 by 3 to the power -10, ठीक है, इंटू 3 to the power -5। तो हम लोग इसको, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इसको अगर हम लोग ऐसे डिवाइड है तो ऐसे में आ जाएगा, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखने। अब हम लोग को देखने से पता चलता है कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा कि दोनों का, आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। तो एक तो लॉ था, क्या था, अगर इस फॉर्म में रहने से, डिवाइड में रहने से, तो जो एक्सपोनेंट्स है, जो एक्सपोनेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे a^m / a^n, तो a^m - n हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, तो दोनों का बेस सेम है, तो 3 लिख दिए। अब -7, तो मतलब माइनस हो जाएंगे, तो -7 - तो इसका क्या है, -10, ठीक है, इंटू 3 to the power -5, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे में और सॉल्व करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 7, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, तो +10 इंटू 3 to the power -5। तो अब हम लोग इसको, अगर हम लोग -7 + 10, तो हम लोग इसको बड़ा साइन किसका, माइनस का, तो हम लोग दोनों में से -10 में से 7 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 3। तो 3 to the power 3 इंटू, वो वैसे ही रहेगा। हम लोग और एक तो फॉर्मूला इसमें पढ़े थे, और एक तो लॉ क्या था कि a^m (a^n) रहने से, तो ये अगर इंटू में रहने से, तो जो दोनों बेस है, सॉरी दोनों एक्सपोनेंट है, तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो बेस सेम है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा, 3 to the power 3 + -5। 3 + -5 कैसे आया, 3 + क्योंकि प्लस हो जाएगा, और -5 इसका वैल्यू, इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो आया -5, तो अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, -2, क्योंकि प्लस माइनस -2, तो -5 में से 3 जाने से कितना बचेगा, -2, तो आएगा -2। अब इसका ये वाला पार्ट, इसके आगे का पार्ट यहाँ पे है। तो अब हम लोग को इसको देखने से ये पता चलता है कि इसमें और एक तो लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है, एक्सपोनेंट का जो साइन है वो नेगेटिव में है, जो पावर है वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो जो नेगेटिव में, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लॉ यूज करेंगे। क्या लॉ यूज करेंगे, a^m का क्या होगा, a^1/a^n, ठीक है, 1/a^n, ये वाला लॉ यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 to the power 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, 1/3 का स्क्वायर बोलने से 3 into 3, तो 3 3 = 9, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2 raised to the power -2 + 1/3 raised to the power -2 + 1/4 raised to the power -2। तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग अगर 1/2 दिया है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है, जैसे जब हम लोग a^m - n रहने से हम लोग 1/a^n लिखते हैं, तो वैसे ही अगर 1/2 दिया हुआ है, 1/2, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power -1, वैसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी सेम वैसे ही लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1/2 raised to the power -2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1 raised to the power -2, वैसे ही सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 3 raised to the power -1 raised to the power -2, 4 - 1 raised to the power -2, तो वैसे भी हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे।
हम लोगों को पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉ अप्लाई होता है, a to the power m whole to the power n. तो वैसे ही हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये ऐसा इस सिचुएशन में रहने से हम लोग क्या होता है, पावर जो है वो इंटू हो जाता है, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे, तो वैसे ही इसको भी करेंगे, -1 into -2, तो स्क्वायर -into -+ हो जाएगा, तो इसमें भी वैसे ही होगा, -1 into -2 क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, -, तो वैसे ही सेम इसमें भी होगा, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 2² + 3² + 4² तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 2 2 स्क्वायर बोलने से 2 into 2, 3 स्क्वायर बोलने से 3 into 3, 4 स्क्वायर बोलने से 4 into 4, तो वैसे ही हम लोग 2 into 2 कितना होगा, 4, 3 into 3 9, और 4 into 4 16, तो हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो 9 9 plus 4 9 plus 4 13, तो 13 plus 16 आएगा 29 29, तो वही इधर पे, तो यही होगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो 5 में क्या है, तो 5 में क्या है, -2/3 whole raised to the power -2, ठीक है, अब इसका भी raised to the power सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो हम लोग को, हम लोग जो इसमें ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे थे, इसमें भी सेम लॉ अप्लाई होगा, a to the power m into n, तो mn हो जाएगा a to the power mn, तो वही हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे इसमें, तो -2/3 whole raised to the power, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो कितना आएगा, -4, क्योंकि इधर पे सिर्फ 2 है, -2 रहने से +4 होता है, अब इधर क्या है, सिर्फ 2 है, तो इधर पे क्या होगा, -4, तो 2 into 2 4, तो -4 हो जाएगा, तो हम लोग को ये क्या है, पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव करने के लिए ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, a to the power -n, तो इसमें क्या होगा, 1/a to the power n आ जाएगा, तो वैसे हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो वैसे ही हम लोग किए, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसका मतलब ये भी होता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 raised to the power 4 by 2 raised to the power 4, तो -3 raised to the power 4 बोलने से -3 into -3 into -3, तो ये क्या है, -into-, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 -3 into -3 9, ठीक है, 9, तो 9 into -3 9 into 9 plus में है, +9 into -3 कितना होगा, 9 3 is 18, अब 18 -18 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो -18 आएगा, -18 into -3, तो कितना आएगा, -18 into -3 ये होगा, अरे -3 into -3 into -3 कितना होगा, 3 3 -3 9 होगा, +9, ठीक है, तो +9 ये है, +9 into -3, तो कितना आएगा, 27, -27, तो -27 यहां तक हो गया, ये क्या है, -3 into -3, तो -minus plus हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -27 into -3, तो आएगा 81, +81 आएगा, क्योंकि -minus plus हो गया, तो वैसे ही 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो वैसे ही यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है, a raised to the power -1 into 5 raised to the power 3, सिर्फ 3 है, अपॉन 2 raised to the power -4, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ये वाला लॉ हम लोग को पता है, a raised to the power -n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a नेगेटिव में पावर, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a to the power n, तो वैसे ही हम लोग इसको हम लोग करेंगे,
तो अभी ये नेगेटिव है, पावर इसका नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग 1/8 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ पावर क्या है माइनस वन, अगर टू होता तो 1/8 to the power 2 लिखते हैं, क्योंकि 1 है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 8 लिखेंगे, ठीक है, तो इनटू, तो ये 5 to the power 3 है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके नीचे में हम लोग को कुछ नहीं है तो हम लोग सिर्फ 1 लेते हैं, ठीक है। अब अपॉन कितना है, अब ये भी इसका भी पावर नेगेटिव में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए 1/2 to the power 4 करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/8 इंटू, तो 5 का क्यूब मतलब 5 to the power 3 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हुआ, 5 5 25 इधर हो गया 25, तो 25 इंटू 5 बोलने से 5 5 25 5 2 10 11 12 125, तो इधर आ गया 125/1 इंटू, अब ये क्या है, 1 2 to the power 4 है, 2 raised to the power 4 है, तो अब 2 raised to the power बोले 2 into 2 into 2 into 2, तो अब कितना है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 तो मतलब 16 आया, तो यहाँ पे सोचो 1/16 है, तो अब ये अगर हम लोग ये अगर ऊपर जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये जो है 1/16 आया वो आपका हो जाएगा सिर्फ 16, ठीक है, तो 6 16/1 मतलब 1/16 अगर ऊपर जाएगा तो 16/1 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम लोग 16/1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कट करें, 8 1 8 8 2 16, ठीक है, तो अब क्या बचा, 125 बचा और 2 बचा, तो 125 into 2 तो कितना आया, 250, 5 2 10 2 2 4 1 5 और 2 1 2 तो आया 250, ठीक है। अब हम लोग का ये वाला फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया, हम लोग फिफ्थ नंबर सम देखते हैं, तो फिफ्थ नंबर सम में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to the power m बाय 5 raised to the power -3 इक्वल टू 5 raised to the power 5। तो हम लोग इसको, अब हम लोग को यहाँ पे देखने से पता चलता है कि डिवाइड है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन है तो मतलब क्या बोले थे कि 8 to the power m / 8 to the power n रहने से तो ये क्या होगा, पावर क्या होगा, बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, माइनस करेंगे पावर, तो क्या आएगा, 5 to the power m माइनस क्या, माइनस 3। तो अब इसको क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा, इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m+3 होगा। अब और 5 to the power ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि अब ये जो है ये दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम रहने से, अगर यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू है, बेस सेम रहने से तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m+3 = 5, ठीक है। हम लोग को निकालना m का वैल्यू, m+3, तो हम लोग 3 को उधर भेजेंगे तो ये जो +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 -3 2 आया, तो हम लोग को m का वैल्यू पता चल गया, ये जो m का वैल्यू पूछा था तो हम लोग को ये पता चल गया क्या आया, m का वैल्यू 2, ठीक है।